हमने कई बार क्रिकेट में देखा है कि बहुत बार बल्लेबाजों ने बॉलर की पिटाई की है। ऐसे ही कुछ चार बल्लेबाजों के बारे में हम बात करेंगे जिन्होंने अपना पर्सनल टॉप स्कोर बनाया। दोस्तों सबसे पहले नाम आता है ब्रायन लारा का। 131 टेस्ट मैच खेलने वाले ब्रायन लारा ने अपने टेस्ट करियर का हाई स्कोर दोस्तों 400 पे नॉट आउट बनाया और उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 11,953 रन भी बनाए। बाद में दूसरा नाम आता है दोस्तों रोहित शर्मा का। ओडीआई डेब्यू दोस्तों उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ किया था 2007 में। 224 ओडीआई मैच खेलने वाले रोहित शर्मा का वनडे स्कोर हाई स्कोर है दोस्तों 264 दोस्तों। उसके बाद नंबर आता है दोस्तों एरन फिंच का। T20 में 61 मैच खेलने वाले एरन फिंच का हाई स्कोर है दोस्तों 172 और बहुत ही खतरनाक पारी उन्होंने खेली थी दोस्तों इंटरनेशनल T20 मैच में। उसके बाद आता है नंबर दोस्तों क्रिस गेल का। क्रिस गेल को हमने ODI में T20 में और T20 लीग में और IPL में बहुत बार दोस्तों बैटिंग करते हुए देखा है और उनके लंबे छक्के तो सबसे ज़्यादा दोस्तों दर्शकों को बहुत ही पसंद है। हालांकि उनका दोस्तों T20 लीग का हाई स्कोर है दोस्तों 175 पे नॉट आउट और क्रिस गेल के सामने अच्छे अच्छे बॉलर घुटने टेक देते पर उन्होंने बॉलर के पसीने छुड़ा दिए। बहुत बार दोस्तों ऐसा है कि दोस्तों बॉलर अपने कौन सी गेंद डालना वो भी भूल जाता है। सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम पर दर्ज है दोस्तों। तो लारा, रोहित शर्मा, एरन फिंच और क्रिस गेल, इन चारों में से दोस्तों आपको सबसे बेहतरीन बैटिंग कौन सी लगी वो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कमेंट। और ऐसे कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए और देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बाकी